hey, तुम आ रहे हो, तुम कोई नया रेस्क्यू ला रहे हो क्या? नहीं, अभी किसी का फोन आया था कल शाम को। अभी फोन आया था या कल शाम को आया था? कल शाम को आया था। यहाँ कांगड़ा में है, वहाँ एक बैल है, उसके पीछे वाले पैर पर चोट लगी हुई। हुआ कैसे, एक्सीडेंट वगैरह है? पता नहीं, इसके ना पांव में कुछ ना हुआ होगा, पता याद था तो बेचारा यहाँ बैठ गया, रात का बैठा हुआ कल। इसको हम ले जाएंगे ना आज। हाँ, ये पापी ठीक हो जाएगा। हमें यहाँ से जाने से पहले शक था कि कहीं इस बैल को फुट एंड माउथ डिजीज ना हो। साहिल ने जब इसको जांचा तो देखा ना तो इसके मुंह में छाले हैं और घाव भी इसके सिर्फ आगे वाले पैरों में थे, तो इसको यहाँ पे लाना बिल्कुल सेफ था। वेलकम टू पीपल फार्म। यार ये क्यों चढ़ू, फिर से मारेगा आपको? ऐसे कैसे मारेगा, मैं पीछे, मैं प्रिपेयर्ड हूँ उसकी बात। पीछे चूचू बाबा रे। साहिल जी हैं आज यहाँ पे? कल दो एम्पुटेशन अपन लोगों ने करी है, वो ट्विस्टेड की फाइनली पैर हटा दी है। तो उसका पतला हो गया था काटने से पहले? नहीं, मोटा ही रहा था। पहले से तो कम हो गया था ना? क्या कहेगा, पहले से कम हो गया था तो वेट करने का फायदा हुआ ना, मतलब वेट तो करना जरूरी था ना। वो तो दूसरी लेग के लिए कर रहे थे ना वेट उसका। हाँ, वो एक्चुअली की वो उस पे वेट नहीं ले पा रहा था, उसकी जो टांग थी वो ऐसी थी ना। उसकी फ्रंट जो खराब थी वो कौन सी थी, पेशेंट्स लेफ्ट पेशेंट्स राइट? लेफ्ट खराब, राइट खराब थी। सही वाली काटी है ना? हाँ जी, सही वाली काटी। तो देख तो रही थी। ओके, राइट वाली काटी। और लेफ्ट वाली वो ट्विस्ट कर रहा था जिसपे वो वेट नहीं ले रहा था, अब ले रहा था, हमने राइट वाली हटा दी। एक बार चेक कर लेते हैं हम, राइट वाली हटाई है। पर कई मिस्टेक्स होती है ना, इररिवर्सिबल मिस्टेक्स। अगर ये वैसे हुई नहीं है, आई एम श्योर, मैं मजाक कर रहा हूँ, पर अगर ये हुई हो तो ये एक इररिवर्सिबल मिस्टेक है। अब दिन भर में हमें कई फैसले लेने होते हैं, लेकिन हम हर फैसला सोच समझ के नहीं ले सकते। लेकिन कई फैसले ऐसे होते हैं भाई जिनका रिजल्ट अगर हमें पसंद नहीं आया तो उन फैसलों को हम आसानी से बदल सकते हैं। जैसे कि कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करना, उसका खाना नहीं पसंद आया तो हम खाना कहीं और खा सकते हैं। लेकिन कई फैसले होते हैं इरिवर्सिबल, यानी कि अगर उनका रिजल्ट हमें पसंद नहीं भी आया तो वो फैसला हम बदल नहीं सकते। जैसा कि किसी रेस्टोरेंट को खरीद लेना या किसी डॉग की टांग को एम्प्यूटेट करना। तो ये फैसले ऐसे हैं जो हमें बहुत सोच समझ के धैर्य से लेने चाहिए। और हमने उसका एक करा ना, जिसका गंदा वाला ट्रैप लगा हुआ था मोगली का, वो ठीक हुई एम्प्यूटेशन? उसमें मैं खा रही है। तो ऐसे क्यों लग रहा है कि तू छुपा रहा है मुझे? हम इन दोनों को देखना चाहेंगे, कहाँ पे है ये? देखने में कोई लगान नहीं है ना लेने से। ओके, ठीक है, पेशेंट्स राइट, करेक्ट। और ये फाइन में मुगली इसकी हटानी पड़ी, पेशेंट। ओ, कौन आया है? परी आई है। यू नो, कोई ना कोई एनिमल मेरे पीछे पड़ा रहता है। पहले राजा आता था, अब ये चूचू आ रहा है। रिया नहीं आई? वो भी स्कूल गई है। अच्छा, तो आज परी कैसे आ गई? समझो कुछ तो है, चूचू हेट्स यू। देखा उसमें। ये S6 में कौन है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, धागा। अब हमारे पास कितने हो गए, तीन पैर वाले? चार हो गए, एक रक्षक हो गया, एक ट्विस्टेड हो गया, एक मोगली, एक धागा। अब ये देखो, चार तो हमारे पास तीन पैर वाले हो गए हैं, है ना? और यहाँ से बड़े सारे ऐसे रिलीज भी हुए हैं, एक झिलमिल भी तो है। पाँच। और ये वायर ट्रैप केसेस ऐसे अगर होते रहेंगे तो हमको एग्जैजरेट नहीं कर रहे कि कांगड़ा में आपको तीन पैर वाले वो नजर आएंगे सारे डॉग। सॉरी, मैं थोड़ा डरा हूँ, इस मुर्गे ने मुझे सता दिया। और हेयर स्टाइल चेंज करके आया अंदर से? हाँ, मेरे को पता था आप कुछ हो गए, इसलिए मैं बांध के आया। तो खुले वाले में आप जवाब नहीं दे सकते? क्यों, दिमाग पे जोर पड़ता है? आप लोग पूछ रहे थे कि बाल कटवा के आई है, क्यों दिखा रही है? मैं तो बालों के बारे में बात करना अवॉइड करता हूँ, ऑब्वियस रीजंस। हे नवीन, आप इनको कटोरी के अलावा ऐसे भी डाल के देते हो ना? कटोरी में डालते हैं तो जानवर बाकी खा जाते हैं। तुम्हें वेनु इसका नाम बताया पपी का? नींबू। नींबू, अब नेमिंग मैं नहीं कर रहा ना, डॉक्टर निशा कर रही है, ज्योति कर रही है। नींबू राजकुमार। इसको भी किसी कर दे, कर दे, हम बाहर निकलवा के किसी यहाँ करते हैं।
ऐसे तो तेरे को अंदर रखा हुआ जैसे बड़ा खजाना है तू। जैसे बैंक के वॉल्ट से बाहर निकाला। ओह क्यूट। ओए देखना बैड काफ। आई लाइक ह्यूमंस, आई डोंट लाइक पपीज। तू तो दिल्ली के अंकलों की तरह बात कर रहा है, हैं? लोग ठीक लगते हैं उन्हें कुत्तों से नफरत। ट्राई द कर। देखा तुमने लाइक एक मिनट पहले वो लड़ रहा था एंड नाउ ही इज लाइक ओके दिस इज क्यूट। गुड नीबू, गुड राजकुमार। कहाँ जा रहे हो आप लोग अभी? हम जा रहे हैं लोकल, जा रहे हैं धड़म्ब। एक्सीडेंट हुआ डॉग का। चल रही है ये? हाँ चल तो रही है, लेकिन हिट को हिट ही करके गया कोई गाड़ी वाला। तो फोन देख के लग रहा है कि दो के दिन तो हो गए हैं शायद इसको। कुछ ठीक करना है देखो हमने। अच्छा कुछ नहीं हुआ है तो। पुराना यानी तो वो सूचर भी हो जाते हैं ना। पुराना हो गया, दो तीन दिन हो गए हैं। ज्यादा ही लग रहे हैं तो। डीप है काफी। ये कह रहे हैं कि इसके जितने बच्चे हुए सारे मर गए, एक ही बचा। हाय। वैसे तो इस डॉग का बच्चा इतना बड़ा था कि अपना ध्यान रख सकता है, फिर भी हमारी कोशिश थी कि माँ बच्चे को कट्ठे ले आए ताकि माँ के ठीक होने के बाद दोनों को हम कट्ठे रिलीज करें। अब हमारी होप यही है कि बच्चा उसी एरिया में रहे और माँ जल्द से जल्द ठीक हो और दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाएं। मेरा बच्चा उठ जा, उठना नहीं मित्र, सो जा मेरे मित्र। गुड गर्ल है, कितनी अच्छी गुड गर्ल है। तेरे से ज्यादा कोई अच्छा गुड गर्ल हो सकता है लाइफ में? घाव को साफ करने के लिए हमने 100 ml सलाइन में 5 ml बीटाडीन मिलाई, फिर इस घोल को एक सिरिंज में भरा ताकि हम प्रेशर से उस घाव को फ्लश कर सके। उसके ऊपर फिर हमने बीटाडीन ऑइंटमेंट लगाई और क्योंकि घाव पुराना होने के कारण हम उसको स्यूचर नहीं कर सकते थे तो हमने इस पे करी पट्टी। मैंने उनको फोन किया था ना पूछने के लिए, धड़म वाले डॉग पपी है ना, जिसकी मदर हमारे पास है ना, तो वो लोग फीड तो नहीं करते हैं क्योंकि डॉग देखते ही भाग जाती है ना पपी, बिल्कुल पास नहीं आती किसी के। अभी उनका फिर से कॉल आया कि वो डॉग वहीं है और उन्होंने किसी तरीके से उसको रोक के रखा है। शूट किया है कि हम होप कर रहे हैं कि जब वो मदर ठीक हो जाए तो वो रीयूनाइट हो जाए। ठीक है, थैंक यू जी। ओके, ज्योति अभी मुझे दिखी है वहाँ जाती हुई, तो हम ज्योति को पकड़ सकते हैं। यार जब सब ये हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएंगे ना तो मेरी पावर चली जाएगी हर रोज इधर से उधर कभी भी पकड़ लेने की। अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा फिर आपको। I know. ज्योति मेरे पास कुछ क्वेश्चन था आपके लिए। कैमरा में? हाँ एडिट तो हम कर ही सकते हैं, 95% ऑनेस्टी। नहीं अभी तो आपको पता नहीं क्या क्या हटा दिया हमने आपका। नहीं नहीं मोस्टली मेरा ही जो मैं भूल जाता हूँ। चार बेड आए थे ना रेजिडेंट डॉग्स के, वो मूवी भी तो यहीं पड़ी रहती है। वो हमारी वो है ना स्ट्रे पेट, पर वापस शाम को 3 ही आए, एक बेड आया नहीं। फिर उस दिन आपको पता है कि जब ये वो व्हाइट डॉग को पकड़ के लाए हैं तो वहाँ पे एक टीवीटी वाला डॉग भी इन्होंने पकड़ने का प्रयास किया है, तो वो हमारे लिस्ट पे अभी है ना, लिस्ट पे वो मुझे सुबह दिखी थी। हाँ तो भी आप एक एक करके ले जाओ, कल भी बताया था। नहीं, प्रोटोकॉल है, आप इसमें कंफर्टेबल की बात नहीं है, बल्कि आप अकेले हो तो बिल्कुल ही एक एक करके ले जाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि जैसे अगर चटोरी बहुत शोर करेंगे, अगर मैं अकेले जाऊंगा बाकी पीछे बहुत शोर करते हैं। लेकिन चटोरी ने किसी को काट लिया तो वो ज्यादा बाहर रहती है, मैं अंदर होऊंगा। नहीं नहीं रास्ते में मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि चटोरी और मूली कभी कभी ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, अटैक कर देते हैं। इसके साथ अभी धोखा करो इन दोनों में। नहीं समझा मैं आपका सवाल। अभी किसको वापस धोखा? अच्छा किसके साथ धोखा करूँ मैं, किसके साथ धोखा करूँ? अभी तो ये मैं चटोरी को पकड़ लेता हूँ, आप इनको ले जाओ। ठीक है, क्योंकि फिर आधी वो पे ले जाके। और यदि आपको लग रहा है ना कि ऐसी कोई समस्याएं आ रही हैं यथार्थ में, तो आप डिस्कस कर लो, देन हम प्रोसीजर मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। ले ले मटोर में जो रैबिट फीमेल थी वो भी नहीं मिली। वो कल सर्जरी इसके आपको पता है, 2 एम्पिटेशन था, मेरे को लोगों की जरूरत थी ना तो मैंने नहीं भेजा। परसों हमने पूछा था उसको, देख लो लोग कह रहे हैं गोली मार देंगे, दे आर वॉयलेंट हो रहे हैं। चलो हैव अ नाइस वीकेंड। कैसा क्या प्लान है आपके वीकेंड का? नहीं हाइक कहीं जा रहे हैं, मतलब धर्म को नहीं
आई ट्राई गर्ल्स डे आउट आप और डॉक्टर नहीं सर नहीं पाएगा सर तुम क्या कर रहे हो काहे ये बिहाइंड द सीन्स हम आपको दिखा रहे हैं ये लोग कौन सा फूल है ये वाला तो फॉरेस्ट फायर ऑफ फॉरेस्ट जिसे पलाश का फूल भी कहते हैं और ये गेंदे गुलाल बनेगा इनका ना तुम कल गए थे ना दो तीन रेस्क्यूज हाँ हाँ एक क्या तुम हक करना चाह रहे हो नहीं मैं दूसरा एक बुल का रेस्क्यू है बुल एकदम सुपर ह्यूज था एकदम बड़ा बुल है बट सुपर फ्रेंडली बुल और जो हम लास्ट वीक गए थे ना एक वाइल्ड ट्रैप डॉग एग्रेसिव डॉग सॉरी एक एग्रेसिव डॉग था ना लास्ट वीक हम पकड़ गए फिर से अगेन सेम सीन हुआ था गैलरी में गई क्या भैया गैलरी में गई दोबारा से एक तो वहाँ से एक को यहाँ से जाना पड़ेगा तभी पकड़ पाएंगे मैं इसके सामने नहीं आऊंगा ठीक है पहले मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा ना जाके फिर मैं पीछे रहूंगा आप आगे जाना ये पीछे भागेगी बीच में हो जाएगी फिर और क्या वापसी में देखते हैं ना अभी तो आएगी नहीं अगर वापसी में आके सांस लेगी तो लेगी नहीं तो नहीं लेगी अभी सुपर फास्ट है वो यही है बुल ये या इसे तुम सुपर यूज कह रहे हो यूज तो है तो शक्ल तो एक बड़ी सी है लफी कहा ह्यूज तो ठीक है इससे तो बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ आए कम ऑन रेनू रेनू साउथ से है ना हमारे छोटे छोटे बैल होते हैं Good morning. Morning. Please good distract weekend. them too much. Very good day. Thank you. Because they have a lot of cases. ठीक है. मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूँ. कल का वो फिर से मटोर वाला डॉग नहीं पकड़ा गया है ना क्या यार उसको गोली मार देंगे वो एग्रेसिव है लोग उसको भगा रहे हैं हम उसके पीछे भाग रहे हैं वो और डिफिकल्टी होता जा रहा है सॉरी आप गोली मार देंगे कुछ तो बोल रहे क्या है गोली मार देंगे क्योंकि वो लोगों के अभी हमें पक्का नहीं है रैबिट है पर उसका बिहेवियर रैबिट जैसा है तो लोगों ने उसको गोली मार देनी है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं सरकारी प्रावधान नहीं है ना कि 1-800 एग्रेसिव डॉग कॉल किया और सरकार ले जाए डॉग को पकड़ के तो वेनू बता रहा था कि कोई ट्यूमर वाला डॉग दिखा है हाँ जी सर ये लोग जब कांगड़ा आ रहे थे कई बुल के लिए तो वहाँ पर एक फेस पे ट्यूमर है डॉग के बहुत फ्रेंडली डॉग है आई होप कोई नेजल कैविटी इन्वॉल्व ना हो अगर ऐसा नहीं है तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको सर्जिकली रिमूव कर सकते तो लिस्ट पे ही जाएगा ना डॉग हमारे पास जगह नहीं है सॉरी मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ 1660 बिकॉज मैंने कहा डॉक्टर अनीशा ने मुझे वो ओके लास्ट चीज वो झिलमिल पपीज डाइड ट्रीटिंग हिज पावर ऑफ सस्पेक्ट सो जस्ट मेक श्योर दैट नोबडी एल्स गोज नियर और ट्विच पपी कौन सा जो काला शाम को आया था जस्ट डाइड सो आई टोल्ड सुधांशु बट प्लीज बी वेरी क्लियर ही हैज टू सैनिटाइज Amazingly. अभी वो जो पपी आरती ने फॉस्टर करना था उसकी डेथ हो गई और ठीक है झिलमिल को बस बाहर निकलवा दो तो फिर राजकुमार से मिलवाते हैं खजाने को अरे अब मैं क्या क्या पकड़ू माय गॉड ओके 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 अरे 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 इसीलिए उन्होंने इसको ऐसे तीन गुंडियां लगा के बंद कर रखा है एटम बम है मेरे को इसकी कहानी नहीं पता ये कैसे आया यहाँ पे ये धनोटू से ही है ना मेन रोड में मंदिर के सामने हाँ ये वो वाला है जो दो बार में मिला था मैं नाम नहीं रख रहा ना तो थोड़ा वो हो जाता है मुझे चलो 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 कॉफी ले ले तुम्हें पता है कॉफी गोट्स की वजह से ही डिस्कवर हुई थी कैसे ऐसे जो चरवाहे चराने जाते थे तो एक ने नोटिस किया कि भाई ये यहाँ इस पॉइंट पे जो मेरी गोट्स है ना बड़ा हाइपर हो जाती है ज्यादा एनर्जी उछल कूद फिर उसने देखा अच्छा वो तब होता है जब ये फलानी बेरीज खाती हैं तो वहां से कॉफी बीन डिस्कवर हुई स्ट्रे की घर की है मतलब स्ट्रे है घर पे आती जाती रहती इसके बच्चे भी थे तो दो की तो मैंने एडॉप्शन करवा दी थी दो बच्चे रह गए थे इसके जो सर्जरीज होती है ना वो बहुत क्रिटिकल है ना हम बेटर करने का सोचते हैं लेकिन हमें पहले प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हमें किस किस चीज की जरूरत है मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ समझ रही हूँ किसी इंजरी की वजह से पैर जो है पीछे वाला बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था और उन्होंने एम्पुटेशन सर्जरी कराई साथ ही में उसकी स्पेस सर्जरी कराई बट एनिमल बाहर रह रहा था पूरे ऑर्गन्स बाहर मतलब इंटेस्टाइन उसके बाहर है
जो स्पेस सूचर था जहाँ, क्योंकि उसने पूरा स्क्रैच करके वो ऑर्गन बाहर निकाल लिया, तो अब हमें उसकी सर्जरी ही करनी पड़ेगी, सब कुछ अंदर करके फिर रीसूचरिंग, फिर इंटेंस पोस्ट ऑफ केयर। कई बार अनुभवी वेट्स भी आपको कहेंगे कि सर्जरी के अगले दिन एनिमल को आप रिलीज कर सकते हैं। देखिए, इन वेट्स का अनुभव सर्जरी में है, पोस्ट ऑफ केयर में नहीं, क्योंकि ये रिकवरी सेंटर्स में काम नहीं करते। किसी भी एनिमल का इंसिजन ठीक होने में 3 या 4 दिन कम से कम लगेंगे, और जब तक वो इंसिजन पूरी तरह हील ना हो जाए, अगर आप उस एनिमल को रिलीज कर देंगे तो यही होगा कि भाई उनकी आंतड़ियां बाहर आ जाएंगी और वो एक दर्दनाक मौत मरेंगे। खुर में चोट है ना, दोनों में एक में? एक में, एक में ही ज्यादा। इसको वॉर्ट्स है, बड़े ज्यादा फैलेंगे ना, और पैर भी सड़ा हुआ है, फुट टॉट भी हो सकता है, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। रुकिए 2 मिनट ना, मैं रॉबिन सिस्टर को बुला के ले जाती हूं। हाँ, ये केस है देहरा से, हमने उसको बोला कि ठीक है आप ले आओ, लेकिन अब वही ना कि फोटो में तो मुझे सिर्फ खुर का जो दिखा रहे हैं वही पता चलेगा, अभी जो सामने शरीर में वॉट्स है सर, उसके शरीर में आगे ना पैर के पीछे वाले हिस्से में वॉट्स है। अभी का ना कोई डायग्नोसिस है, अभी मैंने उसको उतरवाया भी नहीं है, सर्जरी छुड़वा दूँ ना, यहाँ नहीं उतरना ना। भाई भाई धीरे 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 छोड़ दो भाई इसको, ना के छोड़ दो छोड़ दो। चल बच्चा, चाचा चिंगारी चार्ली चाचू सब वेट कर रहे थे। और पता नहीं है कैसे लगा इसको, नहीं पता उसके बारे में कुछ पता नहीं, लोकल बंदे से ही पता गया, पर बोलते कि ऐसे ही है बड़े के टाइम से, ऐसे कीड़ों को मारने की दवाई डाली और पैडिंग कर रहे हैं। अभी हम इसका बाकी ट्रीटमेंट पहले ब्लड टेस्ट के बाद ही कुछ करेंगे। उठ जा, क्यों ठाला लाया तुम्हें, बैठने दो, वो तो अंदर नहीं करना, मैं अकेले खुला छोड़ दूं। उठ जा। इस बैल को सैंक्चुरी पहुंचाने में दिक्कत इसलिए आई क्योंकि वहां पे हमने पुलिया बनानी थी, जो हम इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि वहां पे मटेरियल नहीं उतार पाए, क्योंकि वहां पे पड़ोसी अभी भी बदमाशी पे उतरा हुआ है, उसने गुंडागर्दी करके रास्ता रोक रखा है। हम पुलिस के पास भी गए हैं पर कोई खासी मदद अभी मिली नहीं है, तो एक बार मैं हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन से फारिग होता हूं तो फिर पड़ोसी पे 420 का मुकदमा करूंगा और फिर देखते हैं कि बात कहां पे पहुंचती है। सैटरडे मॉर्निंग में डॉग वॉक्स करा के आया हूं, दिमाग में मेरी चीजें भरना रही है जो मुझे डायरी में लिखनी है, और यहां पे अनिरुद्ध जी क्या कर रहे हैं, मूंछ बने हुए हैं क्योंकि यहां पे आलू पराठे बन रहे हैं, तो ये पहले ही ममता दीदी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा ना किसी को? नहीं भैया एक्स्ट्रा नहीं। ओ, तुम्हारे हाथ में, इसके तो हाथ में एक एक्स्ट्रा ममता दीदी, आपको बताने वाली बात नहीं, बाद में बताते हैं वीडियो नहीं नहीं आप बताओ, ये जल गया तो नहीं ना। अच्छा फिर तो ठीक है ना, गुड रिसाइकल सर। अच्छा कैसा है ना बुल का, बुल है फ्रंट लेग में, पीछे वाले हिस्से में इंजरी है, मैंने खुद देखा नहीं है फोटो में, पता भी नहीं चल रहा है कि कीड़े पड़े हैं कि नहीं, लेकिन पड़ जाएंगे, टाइम नहीं हो पा रहा ना भाई। अगर ऐसा है कि बीटाडीन और इस तरह वाला है जो हो सकता है मेडिकली कॉम्प्लेक्स केस, मतलब इस केस को इस तरीके से ले सकते हैं कि हमारे पास जो जगह है उसमें हमने रखा है ना, पकड़ में भी नहीं आता, लेकिन हाँ अगर वो शांत भी रहता तो हम कई बार बोलस दे के आ जाते हैं ना लोगों को, जगह हमारे पास का केस है, फॉलो अप लेना पड़ेगा, मैं ले आती हूँ ना। जो थी पूरे पॉइंट से सोच के आई थी कि सर मना करेंगे, मैं ये नहीं नहीं मना करेंगे, क्योंकि आगे केस आएगा ना, तो फिर हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि ना तो हमारे पास जगह ही खत्म हो जाती है। कौन सा वही गाय, जो गाय है भैया वही है, पता है ना आपको, दूसरा गाय है, हम पकड़ लेंगे फिर चेक कर लेंगे कौन सी है, मैं आऊँ ना पीछे, इससे आगे नहीं आएगा। हाँ सॉरी ब्रदर्स, हमने आपको डिस्टर्ब किया। पड़ेगा रोज नहीं आएगा जी, तो ये लास्ट केस है, फिर वही शाम को भी रेस्क्यू पे जाना, वायर ट्रैप ओपन करने, अभी फिर मैं साहिल को भेजूंगी, ठीक है? कुछ आप ऐसा बता रहे हो क्या, कुछ कन्वे कर रहे हो जो मैं सुन नहीं रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसा हो रहा है मेरे साथ है ना? नहीं मैं आपको सिर्फ सिचुएशन, क्योंकि बार बार आपसे आके बात नहीं हो पाती ना, मैं सिर्फ आपको सिचुएशन अभी करंट सिचुएशन क्या है उसका वो बता, पर मैं बिटवीन द लाइंस कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ, अगर कुछ है तो मुझे मैसेज कर दो, अगर तुम ऐसे नहीं ऐसे भी होना चाहिए ना कि बाद में मुझे पता नहीं था कि क्या 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 चल रहा है, मैं बता रही हूँ कि ये चल रहा है ना, आज इनकी क्लासेस भी है साहिल और राधा दी की, पहले वायर ट्रैप का जो नूरपुर है वो तो कराओ,
इस समय हमारे रिकवरी सेंटर में इतने पेचीदा केसेस हैं कि क्लिनिक का तो सारा टाइम उन्हीं को अटेंड करने में चला जाता है। यहाँ तक कि जो हमारे रेस्क्यूज हैं, ट्रीट ऑन स्ट्रीट हैं, जो बाहर के पेशेंट हैं, उन्हें हम दोपहर 2 बजे के बाद कुछ समय ही अटेंड कर पाते हैं। ज्योति का सारा समय डॉक्टर अनीशा के साथ प्रोसीजर्स डिफाइन करने और चीजों को बेहतर बनाने में लगा है। मेरा खुद का सारा समय मैनेजमेंट, स्प्रेडशीट्स और इस तरह बोरिंग चीजों में जा रहा है, क्योंकि हम सभी का प्रयास ये है कि भाई हम अच्छा काम करने के साथ साथ इस जगह को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील कर दे जहां पे किसी के आने जाने से या कल को मैं ना हूं, अच्छा काम होना बंद ना हो।